जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम निफ्टी 50 की कंप्लीट एंसर्स वीडियो लेके आए हैं, जो कि मंडे के लिए होने वाली है। मंडे को है 2 जनवरी और न्यू ईयर भी है, तो अब न्यू ईयर को क्या धमाका होने वाला है, वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। हम आप सभी को बताएंगे कि निफ्टी 50 में मंडे के लिए क्या रेंजेस होने वाली है। वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये वीडियो सिर्फ शॉर्ट वीडियो की टाइप में होगा, थोड़ा सा हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है और यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बैक एंड में जाके एनालिसिस की है और कुछ रेंजेज निकल के आई हैं, जहाँ पे हम आप सभी को समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है निफ्टी 50, वो दी है 18,170 पे। इसी के साथ साथ इसका जो नीचे का टारगेट था वो था 18,000 का, जो हमने लेवल आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था शायद, तो ये अभी टच नहीं किया है नीचे साइड में आने के लिए। लेकिन हमने जो बताया था कि 18,250 का ऊपर साइड में आपको टारगेट मिलेगा 18,250 का, तो यहाँ के आसपास में ओपनिंग कराने के बाद में देख सकते हैं कि वहीं से मार्केट जो है नीचे की तरफ आई है और यहाँ से पुट की एंट्री में एक अच्छा मुनाफा देखने को भी मिला है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम आप सभी के साथ लाइव भी जुड़ते हैं, लाइव मार्केट में आएंगे और आप सभी के साथ जुड़ेंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल हम आप सभी को रेंजेस बताएंगे। ये रेंजेस हमने लगा के रखी हैं, लेकिन इन रेंजेस के बीच में किस प्रकार से आप सभी को ट्रेड करना है ये चीज़ समझ लेना जरूरी है। आप सभी लोग वीडियो को एच डी पे लगा के देखिए, 1080 पिक्सल्स पे देखिएगा तो क्लियर आएगी एकदम वीडियो और आप सभी को समझ में भी आएगी। चलिए, अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि निफ्टी 50 में आप सभी को पी की पोजीशन कब तक नहीं बनानी है, जब तक मार्केट जो है 18,040 के नीचे नहीं आती है। 18,040 के नीचे नहीं आती तब तक आप सभी को पी की पोजीशन नहीं बनानी। हो सकता है मार्केट गैप डाउन करा दे, गैप डाउन कराती है और इस लेवल के ऊपर ही रहती है 18,040 का। देखिए, मार्केट ओपनिंग कराए उसके बाद 15 से 20 मिनट आप सभी लोग वेट कर लिया करें, मार्केट खुलते ही मत घुस जाया करें, वहाँ पर स्कैल्पिंग होती है, ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग करने के लिए आप सभी को पहले मार्केट का सेंटिमेंट समझना होता है, तो उसके लिए आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना होता है। वेट करते रहिए, अगर इसके ऊपर 18,040 के ऊपर ट्रेड करते रहती है तो आप सभी को जो लेवल देखने को मिलेगा ऊपर साइड में आपको मिलेगा 18,165 का। क्या देखने को मिलेगा? 18,165 का लेवल ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सी की एंट्री बना सकते हैं, यहाँ से सी की एंट्री बनाएंगे ऊपर साइड में 18,165 का लेवल मिलेगा। एंड देन उसके बाद अगर इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आपको ये जो डे हाई है ये आपको ऊपर का टारगेट मिल जाएगा और जो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 18,270 का लेवल यहाँ पे मिलेगा आपको, 18,270 का ये लेवल मिलेगा ऊपर की साइड में। फिलहाल भारी गैप अप करा दे और 18,270 के ऊपर चली जाए तो अलग की बात है, अदरवाइज यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ज़्यादा अप नहीं जाएगी। फिलहाल अगर नीचे आने लगती है, नीचे की तरफ मार्केट आने लगती है, तो यहाँ से 18,040 से 18,000 नीचे की तरफ बन सकते हैं। लेकिन 18,000 पे मुझे जो है एक रेजिस्टेंस सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है और ये सपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे जो कि कई बार पीछे हमने देखा कि कई बार इस लेवल से ऊपर की तरफ फिर से ऊपर की तरफ गई है, तो हो सकता है कि इस बार ये ब्रेक कर दे। तो अगर 18,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, 18,000 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे 17,900 का आपको लेवल देखने को मिलेगा डाउन साइड में, अगर 18,000 के नीचे आती है तो। अदरवाइज 17,900 के भी नीचे जाती है तो आपका ये लेवल देखने को मिलेगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, नोट कर लीजिएगा, 17,800 का। यहाँ तक भी निफ्टी 50 आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, डाउन मोमेंट में अगर मार्केट आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो ज़रूर यहाँ पे आप सभी को ये लेवल देखने को मिलेंगे पुट साइड के, जो भी हमने आप सभी को बताए हैं। हमने हाईएस्ट लेवल अभी नहीं बताया आप सभी को, हाईएस्ट लेवल में अगर मार्केट जाती है ऊपर की तरफ तो आपको जो देखने को मिलेगा टारगेट, वो देखने को मिलेगा 18,350 का। क्या 18,350 का लेवल देखने को ऊपर साइड में मिलेगा, अदरवाइज यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। इसके ऊपर वैसे उम्मीद नहीं है कि जाएगी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, अगर जाती है तो एकदम हायर लेवल है 18,470 का, इसके ऊपर फिलहाल मार्केट नहीं जाएगी मंडे को। आप सभी को लेवल्स आई होप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ आप सभी को कि यहाँ पे आप सभी लोग क्या करिएगा, आप अपने चार्ट पे जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। आप सभी को ट्रेंड लाइन यहाँ पे आराम से बनती हुई दिख रही होगी, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दीजिएगा, प्रोजेक्शन बेस्ड पे आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन देती है नीचे साइड में
तो एक कंफर्मेशन मिल जाता है, मान के लो इस बीच में कहीं पे ओपनिंग कराती है और 18,165 के आसपास में, 18,165 के आसपास में आ जाती है, और या फिर इस लेवल के इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करती है आपको ये 18,040 का टारगेट लेके पीक साइड में बन जाना है। मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आती है तो 18,040 और 18,000 के लेवल के लिए आपको पीक साइड में एंट्री कर सकते हैं। ये 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, 100 पॉइंट्स भी यहाँ पे गेन कर सकते हैं अगर मार्केट इसी फ्लैट ओपनिंग कराती है, ट्रेंड लाइन के नीचे आती है तो यहाँ पे 18,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। पुट साइड में एक बढ़िया यहाँ पे मोमेंट कैप्चर कर पाएंगे, पी के साइड में आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। देखिए चीज़ों को समझिएगा, मैंने ये बता दिया कि अगर इसके ऊपर रहती है तो मार्केट का ये लेवल मिलेगा, ये तो सही चीज़ है, लेकिन रेंज को समझना, मार्केट को हैंडल करना ये बड़ी बात हो जाती है। मैंने आप सभी को बताया 18,040 के ऊपर रहेगी तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा 18,165 का, सही चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करना है और यहाँ पे प्राइजेक्शन को भी फॉलो करना है। प्राइजेक्शन मीन्स यहाँ पे प्राइस का जो एक्शन होता है, मीन्स यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे डाउन मूवमेंट ही आएगा, 18,040 से भी ऊपर जा सकती है और 18,000 से भी ऊपर जा सकती है। तो इसलिए आप सभी लोग ट्रैप ना हो, इसलिए मैं 40-40 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे आप सभी को बता दिए हैं, चूंकि न्यू ईयर है और न्यू ईयर को मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी का पोर्टफोलियो जो है वो रेड में हो। यहाँ पे आप थोड़ा ही सही, लेकिन प्लस में प्रॉफिट अगर आप सभी का बनेगा, प्लस में रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप सभी लोग भी खुश रहेंगे। तो ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लीजिएगा, ये लेवल ड्रा कर लीजिएगा। अगर इस बीच में अगर मार्केट ओपनिंग कराती है तो अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर के लेवल हमने बता दिया आप सभी को कि 18,350 तक जा सकता है, लेकिन बीच में एक ये वाला जो बन रहा है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट दीजिएगा। अदरवाइज अगर इसके नीचे आती है तो इसके नीचे आप 18,000 के लिए बन सकते हैं। 18,000 से जब नीचे आएगी तब आप 17,900 इस लेवल के लिए बने रह सकते हैं, एंड देन उसके बाद 17,800 का लेवल नीचे साइड में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये चीज़ें आप सभी के समझ में आ गई होंगी। ऊपर की साइड में हम आप सभी को थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके भी हम यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि ट्रेंड लाइन और ऊपर के टारगेट्स हमने कहाँ कहाँ पे लिए हैं और किस किस जगह पे लिए हैं, हमने रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये हाई पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ऊपर की साइड में ये हाई इसलिए पकड़ा क्योंकि यहाँ से जो है सेलिंग स्टार्ट हुई थी और एक लंबी सेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। तो अगर यहाँ कहीं कभी भी, अगर कल नहीं आती, परसों मंडे को नहीं आती, ट्यूजडे को अगर आती है तो यहाँ से भी मार्केट जो है एक बार नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी सेलिंग जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है, उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है। लेकिन अगर भारी गैप अप, भारी गैप डाउन के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देती है, भारी गैप अप या भारी गैप डाउन के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर ऊपर के टारगेट्स आप सभी को जो देखने को मिलेंगे वो मैं टेलीग्राम पे आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा भी कुछ होगा। टेलीग्राम पे वैसे भी मैं बना रहता हूँ। अगर आप सभी लोग निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी लोग ट्विटर चलाते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं चार्ट्स वगैरह अपडेट किया करता हूँ लाइव मार्केट में भी, और आप सभी के साथ जुड़ा रहता हूँ। उम्मीद है सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मोबाइल एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके भी देख लीजिएगा आप सभी लोग अगर नहीं देखे हैं तो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज़ आप सभी का अगर कोई सजेशन है कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं और वैल्यू देता हूं, तो इसलिए आप सभी लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं सभी के कमेंट्स रीड करता हूं, भले ही आप सभी को लव दे के ही वापस चलाऊं, हर्ट करके ही वापस चलाऊं। तो यहां पे आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जो नए यूजर्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी को लेवल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो 90%+ के साथ एक्यूरेट होते हैं। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, अदरवाइज हमारे साथ 2-4-6 दिन बन के रह के जुड़ के देख सकते हैं। आप सभी को जरूर यहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के साथ मैं इतने सपोर्ट के साथ बना रहता हूँ, तो जरूर आप सभी लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।